और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जियो के जो पुराने ऑफर है वो लगभग सभी के एक्सपायर होने को है। यदि दोस्तों आप जियो को 3 महीने और अनलिमिटेड यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए जियो ने अपना एक लेटेस्ट ऑफर निकाला है जिसका नाम है जियो दन दनादन, जो कि 399 रुपीज का है। पर दोस्तों, यदि आप उस प्लान के अंदर 80 रुपए का कैशबैक पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से जियो के लेटेस्ट प्लान 399 रुपीज के अंदर 80 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा देगी, आपको उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके एक ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फोन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आपने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा दी है, आपको उस पर क्लिक करके आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इस ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करके इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। पर इसके अंदर दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर इस प्रकार से फॉर्म शो हो जाता है। इस फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों आपको मैं बता लूं, यदि आपने उस सिम को इस मोबाइल के अंदर नहीं लगाया जिसको आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है तो सबसे पहले आपको सिम को अपने इस मोबाइल के अंदर लगाना है जिसको आपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर जो फॉर्म दिया हुआ है इसके अंदर आपको वही नंबर लगाना है जिसको आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फुल नाम लगाना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस और उसके बाद आपको 4 डिजिटल पिन यहाँ पे सेट करने हैं। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो ये ऐप है इस प्रकार से ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपको कई प्रकार के ऑफर मिल जाते हैं जैसे कि आप इसके अंदर किसी को भी पेमेंट यूपीआई के द्वारा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 50% कैशबैक मिल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज पे कई सारे ऑफर मिल जाते हैं जिसके अंदर आप काफी अच्छा कैशबैक पा सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता लूँ, इस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उसको इसके अंदर लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर जो 3 लाइन दिखे दे रही है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा है बैंक अकाउंट, आप इस पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर पहले से अपने अकाउंट को लिंक किया हुआ है, यदि आपने लिंक नहीं किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहां पे लिखा है ऐड बैंक अकाउंट, आप इस पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर इसको ऐड करने से पहले दोस्तों आपको मैं बता लूं, आपकी वही सिम इस मोबाइल के अंदर होनी जरूरी है जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक की हुई है। मतलब दोस्तों आपने जिस भी मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट के अंदर लिंक किया हुआ है वो नंबर इस मोबाइल के अंदर होने जरूरी है। लिंक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपकी जो सिम है उसके द्वारा ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा और मैसेज जाने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों आपको 6 नंबर का एक पिन सेट करना पड़ेगा जो कि आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाता है। यदि दोस्तों आप इसके अंदर अपना जो पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है चेंज यूपीएन पिन, आप इस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको अपने बैलेंस की जानकारी निकालनी है तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके हम अपने पिन लगा के यहाँ पे अपने बैंक बैलेंस का पता कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता लूँ, यदि आप 399 का प्लान कराना चाहते हो तो सबसे पहले इस मोबाइल पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लगाना है। मतलब दोस्तों आपको जियो का नंबर लगाना है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से अपना नंबर ऐड किया हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक करके अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है व्यू प्लान्स। आप इस पे क्लिक करके आप अपना मन पसंद प्लान जो भी यहाँ से चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कई सारे के ऑफर मिल जाते हैं, हम जो भी चाहते हैं उस पे हमें क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 399 पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑफर ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको प्रीपेड सिलेक्ट करना है, जियो सिलेक्ट करना है और आपका जो भी राज्य है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है जिससे कि आपका जो रिचार्ज है वो इसके अंदर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप अपना रिचार्ज UPI के द्वारा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इनके द्वारा भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं। पर यदि दोस्तों आपने उसी सिम को अपने इस मोबाइल के अंदर लगाया है जिसको आपने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है तो आप UPI के द्वारा भी पेमेंट पे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप UPI के द्वारा पे करते हैं तो आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से अपना रिचार्ज किया हुआ है, चलिए दोस्तों मैं आपको अपना जो रिचार्ज है उसकी डिटेल बता लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट हिस्ट्री, हमें इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 399 का प्लान कराया जिसके अंदर मुझे 30 रुपए का कैशबैक मिला है। तो दोस्तों अब आपके मन में विचार होगा कि 50 रुपए का कैशबैक हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों 50 रुपए का कैशबैक आपको तब मिलेगा जब आप किसी की लिंक के द्वारा आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद यदि आप फर्स्ट पेमेंट UPI के द्वारा पे करते हैं तो उसके अंदर 50 रुपए चले जाते हैं। मतलब दोस्तों आप 399 रुपीज का प्लान कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस ऐप को किसी और मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर की जो लिंक है उससे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे कि दोस्तों आपको 50 रुपए का कैशबैक उसके अंदर मिल जाता है और 30 रुपए का कैशबैक इसके अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टोटल 80 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो मैंने रिचार्ज कराया उसका प्रूफ भी बता लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जब उस लिंक के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड करके इसके अंदर रिचार्ज किया तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे 50 रुपए का कैशबैक मिल चुका है। मतलब दोस्तों मुझे टोटल 80 रुपए का कैशबैक मिल चुका है। मतलब दोस्तों जब भी आप इसके अंदर रिचार्ज करो तो उससे पहले आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलता है और 30 रुपए का आपको इस ऐप के अंदर कैशबैक मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा मैसेज है जिसको मैंने यहाँ पे रिचार्ज किया तो मुझे ये मिला था और उसके अंदर मुझे 30% का कैशबैक मिला था और जो कि आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अब दोस्तों मैं अपने जियो ऐप के अंदर आपको बता लेता हूँ क्या मेरा 399 वाला प्लान एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जियो ऐप को ओपन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रही है हमें इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है माय प्लान, हमें इस पर क्लिक करना है जिससे कि दोस्तों हमारा कौन सा प्लान है उसके बारे में हमें यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो प्लान है वो 399 वाला है जो कि 12 अक्टूबर को एक्सपायर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप 80 रुपए का कैशबैक पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके फोन पे के नाम से जो ऐप है वो आपके फैमिली के किसी भी मेंबर के अंदर इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके अंदर अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपको उसके अंदर उस ऐप को शेयर करने का एक ऑप्शन मिलता है जिसको आपको अपने फोन पर शेयर करके आपको अपने फोन के अंदर उसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि दोस्तों आप इंस्टॉल जब करते हैं तो आपके उस अकाउंट के अंदर आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलता है जब आप अपने मोबाइल के द्वारा इसके अंदर कोई भी रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर आपको 30% का कैशबैक मिल जाता है। तो मतलब दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल के अंदर 399 रुपीज का रिचार्ज करते हैं तो आपको 30 रुपए का कैशबैक मिल जाता है और साथ में दोस्तों आपने जिस भी लिंक के द्वारा उस ऐप को डाउनलोड किया है उस अकाउंट के अंदर 50 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 और 50 80 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाता है। पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर जब अकाउंट बनाओ तो आपका वो नंबर उस मोबाइल के अंदर होना जरूरी है जिसको आपने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है, तभी आप उसके अंदर 80 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है।
थैंक यू।